तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं आजाद पार्क, जहां इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत आजाद पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और इस वक्त वो वहां मौजूद हैं और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा संबोधित कर रहे हैं। की इनके काबू में नहीं आ रही है, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी की रहनुमाई में पूरे देश में हमारे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम दिया है, ब्लॉकों के लिए, जिलों के लिए, प्रदेशों की राजधानियों के लिए, क्योंकि सत्ता में आप आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस चाहे विपक्ष में है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। जब देश परेशान है, आर्थिक अराजकता के दौर पे आके खड़ा हो गया है, बेरोजगारी चरम पे है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी, अपना कर्तव्य निर्वहन करेगी और लोकतंत्र में ये तकाजा भी है कि सत्ता पार्टी से जब सत्ता का संभालना मुश्किल हो रहा है, देश के हालात खराब हैं, लंबे लंबे और लच्छेदार भाषण देने से न पेट में रोटी जाएगी न रोजगार मिलेगा किसी को। आज तुलना कर रही देश की जनता कि एक तरफ खामोशी से इस देश की इकोनॉमी को न केवल मजबूती थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जिस प्रधानमंत्री ने खामोशी के साथ थामे रखा, मजबूत किया, एक प्रधानमंत्री वो थे जो बोलते कम थे और एक प्रधानमंत्री है जो बोलने से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोलने ही बोलने का काम हो रहा है देश के अंदर। जिस तरह के हालात बन गए हैं उन हालातों से निपटने के लिए आज कांग्रेस पार्टी को तैयार होना पड़ेगा। और मैं तो आपको लंबी बात नहीं कहूंगा, यही आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे महान नेताओं ने शहादत देके इस देश को आजाद कराया, अपनी शहादत देके इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। इंदिरा गांधी ने खेत और खलिहान के झगड़े में शहादत नहीं दी थी, उन्होंने कहा था एक दिन पहले उड़ीसा में कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती देगा, इस देश को अखंड रखेगा। इस देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, कांग्रेस पार्टी ने दो दो प्रधानमंत्री अपनी शहादत दी है। न केवल आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के महान नेताओं ने शहादत दी बल्कि आजादी के बाद भी इस पार्टी का, इस तिरंगे झंडे का, शहादत का और कुर्बानी का देश के लिए इतिहास रहा है। इसलिए सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, बहुत उतार चढ़ाव कांग्रेस पार्टी ने अपने 130-135 साल के इतिहास में देखे हैं। हर दौर से जब कांग्रेस निकलती है मजबूती के साथ निकलती है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी लेकिन उसके 2.5 साल बाद वापस इंदिरा गांधी जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम देश के उस मायूस 36 कौम के लोगों की तरफ देखें, कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज वर्तमान सरकार की नीतियों से परेशान है, बर्बाद हो रहे हैं, उनका संबल बनने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए हमको सड़कों पर उतरना है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात